जिस तरह से पिछले लगभग 15 सालों से हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा जो मूनलाइट पब्लिक स्कूल है प्रताप गेट, हमारे स्कूल को मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी चला रही है। मूनलाइट स्कूल के द्वारा हमारे स्कूल के अंदर गरीब परिवारों के बच्चों को कैथल सिटी के हमने भिन्न भिन्न कोर्सों के अंदर जैसे बीएड, एनटीटी, जेबीटी, कंप्यूटर, पार्लर और सिलाई के डिप्लोमे करवाए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने निर्णय लिया है पूरे स्टाफ के साथ बैठ के और अपने जो निजी साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं राजू पाई, जिन्होंने पुंडरी से चुनाव लड़ा है, वो मेरे साथी हैं, तो हम सब ने बैठ के निर्णय लिया है कि कैथल हलके से जो हमारी बेटियां हैं जिनके पिताजी नहीं हैं या बीपीएल परिवार हैं या गरीब हैं, ऐसी कैथल हलके की 500 बेटियों को हमारा स्कूल मूनलाइट पब्लिक स्कूल फ्री में एनटीटी और 500 लड़कियों को कंप्यूटर का डिप्लोमा और 100 लड़कियों को बीएड और 500 लड़कियों को पार्लर का डिप्लोमा दोबारा फिर से हमने शिक्षा की अलग जगाई है। क्योंकि बहुत से साथी क्वेश्चन करते थे मुझे कि पालाराम जी आप तो चुनाव लड़ने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हो। मैंने हमेशा बोला है कि ये काम तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 2000 में मैं नगर पार्षद बना था, तब से लेके और आज तक पहले हम छोटे लेवल पे काम करते थे और अब हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो आज का जो विषय था हमारा, कैथल हलके की कोई भी बेटी आने वाली 16 तारीख से हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, वो आके हमारे मूनलाइट स्कूल प्रताप गेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, 500 लड़कियों को कंप्यूटर, 500 को पार्लर, 500 को सिलाई और 100 लड़कियों को बीएड हमारा जो मूनलाइट स्कूल है वो बिल्कुल फ्री में करवाएगा। का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है लगभग इसके ऊपर 16 से 17 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, इसी तरह से एनटीटी के ऊपर भी 16-17 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और मैंने पार्लर की आपके समक्ष बात रखी है, पार्लर की जो फीस है वो 50 हज़ार रुपये फीस है और जो बीएड है बीएड की जो फीस है वो 80 हज़ार रुपये है। शायद मैं तो एक बात कहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से, हरियाणा का पहला स्कूल होगा मूनलाइट स्कूल जो इस तरह से शिक्षा के अंदर लो जगा रहा है और ज्योति जगा रहा है। हमने तो हमारे जो महापुरुष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उनका जो एजेंडा था हमने उसको आगे बढ़ाया है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आप अपने पूरे जीवन को पार कर सकते हो, एक शिक्षा के माध्यम से ही आप हर चीज़ को छू सकते हो। आज जो आईएएस या आईपीएस या बड़े बड़े कंपनियों के अंदर बड़ी जॉब पे जो लोग हैं वो सारे के सारे शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। कैथल हलके की कोई भी बेटी जिसके फादर नहीं है या बीपीएल परिवार है या गरीब परिवार है, हमारे स्कूल का स्टाफ जाएगा, हम सर्वे करेंगे, 16 तारीख से हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसका सर्वे करके उसके बाद ये शिक्षा देंगे। वाकई में जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, मैंने ये सब 500-500 सीटें रखी हैं, अगर मुझे 500 से ये 550 भी करनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा उनको देंगे वाकई में जिसको शिक्षा की ज़रूरत है। अभी तक कितने आवेदन आपके पास? 16 से शुरू कर रहे हैं छोटे भाई, लास्ट में जो हमने 2 साल के अंदर शिक्षा दी है लगभग हमारे स्कूल ने 2500 बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से कंप्यूटर या पार्लर या सिलाई या बीएड इस तरीके से या फायरमैन के तरीके से 2500 बच्चों को मूनलाइट स्कूल शिक्षा दे चुका है और वो जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के अंदर या केंद्र की सरकार या हरियाणा की सरकार या कैथल के किसी भी नेता का किसी का सहयोग नहीं है। उसके अंदर आप जैसे भाई, भाई साहब जैसे भाई या कोई और साथी, उन लोगों ने हमारी मदद करी है। सरकार से हमें एक सिंगल रुपया नहीं मिला, लगभग हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपया
पिछले दो सालों के अंदर शिक्षा के ऊपर खर्च किया है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया जो हमने खर्च किया है वो शहर के जो मुख्य आदमी हैं या शहर के जिन व्यक्तियों के अंदर शिक्षा को लेके या गरीब के बच्चे को लेके टीस है उन लोगों ने हमारी मदद करी है। सरकार की तरफ से हमें एक नए रुपए की भी मदद नहीं मिली है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आपका भाई पालाराम सैनी, आपका भाई राजू पाई ढूल वो कर रहा है। सरकार के काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की मदद भी करो, तभी हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी। अपना एक अच्छा काम शुरू किया हमने, एक पहल करी है, इस पहल को हम देखते हैं कितने लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी ताज़ा ताज़ा नगर परिषद का चुनाव हुआ है, नगर परिषद के चुनाव के अंदर 7-8 कैंडिडेट चेयरमैन की दौड़ धूप में थे। मैं आप लोगों के माध्यम से इस शहर से पूछना चाहता हूँ कि कितने नेताओं ने कंप्यूटर सेंटर या पार्लर सेंटर खुलवा रखे हैं पहले, या अब आगे कितने सेंटर वो खोलेंगे। मज़ा तो इस चीज़ का है कि वो भी खोल लें। और दूसरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कैथल सिटी के लोगों को, सेकंड जो हमारा एजेंडा होगा वो स्वास्थ्य के ऊपर होगा। हम अपने स्कूल के अंदर अभी मीटिंग की थी हमने पीछे, एक लेबोरेटरी हम बना रहे हैं। उस लेबोरेटरी के अंदर जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो थायराइड का है, काले पीलिए का है, डेंगू का है, किसी भी चीज़ का है, तो उन टेस्टों को हमारी संस्था के द्वारा, जो मूनलाइट संस्था है हमारी, उसके द्वारा हम वो टेस्ट फ्री करेंगे। सेकंड जो एजेंडा है हमारा वो स्वास्थ्य के ऊपर है। ये जीवन दोस्तों मिले हैं, इस जीवन के अंदर हमने अपने पाँव के निशान छोड़ के जाने हैं, हम तो इस लाइन पे चले हुए हैं। साथियों, जिस तरीके से आदरणीय पालाराम सैनी जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की मौजूदगी में इन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा, और जब से ये पार्टी के अंदर आए हैं तब से एक्टिव मोड में है, तो पालाराम जी ने मेरे से डिस्कस किया कि हम अपने स्कूल जो मूनलाइट पब्लिक स्कूल है उसके माध्यम से हम जो हमारी बहन बेटियों के लिए ये जो अच्छे काम करते हैं डिप्लोमा वगैरह के, तो इन्होंने कहा कि हम 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो बीपीएल परिवार है या जो बेटी जिसके फादर नहीं है उन बेटियों को कंप्यूटर का डिप्लोमा, एनटीटी डिप्लोमा और भी जितने डिप्लोमे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवाने का काम करेंगे। तो मैंने भी इनसे अपील की है कि मेरे हल्के से भी 100 या 200 जो बेटियां हैं जो कुंडरी हल्के से हैं उनको भी मैं प्रधान जी के माध्यम से जो डिप्लोमा है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम करवाने का काम करेंगे। बड़ी अच्छी पहल है। जो गरीब परिवार है, जो बेटियां अपने जो परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए एक अच्छी पहल है, उनके लिए एक चांस बनता है कि वो भी एक किस तरीके का डिप्लोमा, चाहे एनटीटी का हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का हो या कंप्यूटर का हो, वो डिप्लोमा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले। तो बड़ी अच्छी पहल है, प्रधान जी ने शुरुआत की है। तो मैं तो आपके माध्यम से मेरे पुंडरी हल्के की भी जितनी भी हमारी बेटियां बहन जो फादरलेस हैं या बीपीएल परिवार के अंदर हैं, जिनको जो पढ़ना चाहती हैं और ये जो डिप्लोमे हैं वो करना चाहती हैं, तो वो भी हमसे 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर संपर्क करें। 16 तारीख से इनकी जो डिप्लोमा है इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है।